व्यूअर्स, मैं अपने चैनल डिस्कवर बिन फहद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं शिकारपुर शहर से 26 किलोमीटर दूर मशरकी शहर की तरफ एक गांव जागन के इलाके से, जागन का इलाका काफ़ी मशहूर इलाका है जो सरदार कोड़ा खान इन यहाँ के मोतबर और मौजूद कबायली शख्सियत हैं, इनके बंदे में बैठा हूँ। इस बंदे की तकरीबन तारीख जो है वो हमारे मेज़बान होंगे नादिर खान बायो, वो हमें बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, हम आपको इस मस्जिद बंगले की तमाम डिटेल नादिर खान बताएंगे और हम तमाम मंजर कशी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिर खान। नादिर खान, हम आपका पहले अब हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आए क्वेटा से, आपने हमारी बहुत बड़ी गर्मजोशी से मेज़बानी की, 3 दिन तक आप हमें मुसलसल टाइम देते रहे। तो आप आज हमें इस बंगले की तारीखी हैसियत के बारे में कुछ सवाल होंगे, आप हमें इसके जवाब उम्मीद है कि आप देंगे। तो ये बताएं कि इस बंगले को बने हुए कितना अर्सा हुआ है? इस बंगले को बने हुए 172 साल। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया जो कारीगर थे, हम अपने बड़ों से ये सुनते आए हैं कि जो बनाने वाले थे वो भी हमारे कौम के ही थे। सबसे दिलचस्प बात जो है इस इंटरव्यू का और इस बंगले के निकालने का, ये किसी अंग्रेज़ ने नहीं बनाया, इसको खास इसी कबायल के लोगों ने, सिंध के लोगों ने बनाया हुआ है, ताकि इनमें भी इतना टैलेंट है कि उन्होंने इस तरह की काबिलियत दिखाई है और उस बंगले के जो है खूबसूरत चार चांद लगाए। अच्छा, इस बंगले के तारीखी हैसियत क्या है, मतलब यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी सरगर्मियाँ होती रही है? शुरू में तो ये जो है कबायली जो फैसले जैसे जिनके होते हैं उनके लिए बनाया गया था, रवायती जो हम सरदारों का होता है एक ठिकाना जहाँ बैठ के वो जल्दी करते हैं, फैसले करते हैं, अपने गाँव अपने कबायल की जो मतलब बातें सुनते हैं उनके मसले हल करते हैं, इस वजह से बनाया गया था। अच्छा, और यहाँ पर मुझे एक हैरानी हुई कि 172 साल गुजरने के बावजूद भी ये काफ़ी इस्टेब्लिश है और इसके काफ़ी खूबसूरत है, इस पर कोई भी खम नहीं आया हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हम बहुत ही शौक़ से इसे मेंटेन करते हैं, हमने एक अपनी बजट बनाई हुई है, हर साल हम अच्छा बजट जो है ना लगाते हैं और इस जमीनों और इसकी देखभाल के लिए लोग भी हैं। इसकी देखभाल के लिए 10 लोग रखे गए, 10 लोग यहाँ इसी बंगले की देखभाल, 10 लोग यहाँ के व्यूअर्स, 10 लोग अभी तक इस बंगले को संभाल रहे हैं और यहाँ पर रात को ठहरने के लिए आम लोग, यहाँ पे मुसाफिर जो है ना वो अक्सर जो भी मुसाफिर आते जाते हैं वो रहते यहीं पर हैं। यहाँ पर हमने मुसाफिर खाना पुराने जो हमारे बड़ों ने बनवाया था वही मुसाफिर खाना आज तक यूज होता है और यहाँ पर बाकायदा मैंने सुना है कि लंगर कर रही है, बिल्कुल उनको खाना सर्व किया जाता है आम खास जो है यहाँ पर आकर के अगर कोई मुसाफिर हो तो वो यहाँ पर ठहर सकता है। तो और इसके अलावा यहाँ पर मैंने सुना है, मुझे बताया गया है कि पंचायत भी है यहाँ पर पुराने तर्ज की बनी हुई है, तो वो अभी तक फहाल है या नहीं है? जी, अभी तक वो जो जगह होते हैं वो अभी तक मतलब होते आते हैं और जो अभी हमने ये सामने हाल पीछे बनवाया हुआ है वो बनवाए इसीलिए जो हमारे कबायली मसले होते हैं हमारे गांव वालों के या दूसरे के इलाके के, उनका मसला हम वहीं बैठ कर करते हैं। और दूसरी एक मैं आपको बात बताऊं, हमारे जो भी फंक्शंस हो या अल्लाह खैर करे अगर वो बहुत भी हो जाती है वो भी हम अपना सारा इंतज़ाम आज तक वहीं करते आए, मतलब आज कल शहर की जदीद ज़िंदगी में भी इन्हों भाइयों खानदान ने अपना रिश्ता जो है वो गांव की ज़िंदगी से बरकरार रखा हुआ है बिल्कुल। ये आज भी हम आए थे यहाँ पर, इनके एक कज़न था, उनका चैलुम था, तो तमाम कबायली और यहाँ के मकामी लोगों ने शिरकत की, अभी तक इनका ताल्लुक गांव से है और भरपूर है, ये ना कि आरजी है। खान, ये बताएं कि ये बंगला आपके खानदान में किसने बनाया? ये जो मेरे परदादा के वालिद साहब थे सरदार सलाह खान, ये उन्होंने बनवाया, सरदार सलाह खान भाई। और अच्छा, ये उन्होंने बनाया, उनके दौर में बनाया। व्यूअर्स, बाकी वीडियो की मूवी जो है हम दिन में बनाएंगे ताकि हम आपको अपनी कोशिश के मुताबिक इस बंगले की तमाम अहम जगह दिखा सकें। व्यूअर्स, बाकी वीडियो जो है हमने दिन के औकात में बनाई, रात को ये शॉर्ट क्लिप हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपके यहाँ के जो मेंटेनेंस है और यहाँ के रात को जो लाइटिंग होती है वो आपको दिखा सके। काफ़ी खूबसूरत जो झूमर लगे हुए हैं और उसके साइड बल्ब्स लगे हुए हैं और साइड ये टेबल आपको दिखा सकें, इसके साथ साथ ये आल दूसरे आल में आपको दिखा सकें, काफ़ी खूबसूरत और महंगा झूमर इन्होंने लगाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल ये अभी तक मेंटेन है ये बंगला और इसकी खूबसूरती उसी तरह बरकरार है। यहाँ पर
हर वक्त मेहमान आते रहते हैं। अभी एक दूसरा कमरा है, यहाँ पर मैं आपको ले चलूँ। ये यहाँ पर अभी तक खूबसूरत सा झूमर लटका हुआ है और ये यहाँ की खूबसूरती के लिए ये तस्वीर अगर हम आपको दिखा सकें, इसी बंगलो की है, इसी बंगले की तस्वीर है। मैं तरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यहाँ पर आई हुई है। हम लोगों को सुबह जो है यहाँ पर सिंधी स्पेशल पराठा पेश किया गया, इसके ऊपर गुड़ डाली भी है और ये यहाँ के मेहमानों की यहाँ पर तवाजा करते हैं ये लोग। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल कदीम तर्ज की कुर्सियाँ जो कि हमें हमारी सकाफत की याद दियानी कराती है। ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा तारीखी बिल्डिंग है। आप इनके नक्श व निगार और डिज़ाइनिंग को देखें, इसका जो छत है वो काफ़ी खूबसूरत लकड़ियों से बना हुआ है और इसकी दीवारें, आप इसकी ऊंचाई देखें। ये नक्श व निगार अगर हम आपको दिखा सकें, ये उस वक्त की कदीम तस्कीक काफ़ी माहिर बड़ाइयों का सहारा लिया गया। ये हाल नुमा कमरा, उसके साथ मुतसिल एक दूसरा आल और ये फिर वही खूबसूरत और ऊंचाई पे जो इसकी छत है। ये जगह अंगेठी है, हम इसके पीछे चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये कदीम तर्ज के जालर जो है इनको रखे गए हैं, ये इनको खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और ये छोटे से दरवाजे होते थे कि इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए, कदीम तर्ज के जो इमरजेंसी एग्ज़िट थी वो रास्ते हैं। इस वक्त हम जो है इस बंगलो के ऊपर की मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तीन मंजिला पे हम जो है हम इस बंगलो के ऊपर की जानिब आपको ले जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ ही रहिए, आ जाए। ये बिल्कुल आप इसकी स्टेप देखिए, कदीम तर्ज के स्टेप बने हुए हैं और इसका इसकी तामीर जो है इंतहाई माहिर मिस्त्रियों की खिदमत हासिल की गई है।
कदीम तर्ज के जो है ये कमरे और इसके शेल्फ देख ले, ये आप इसके गार्डर देखे। एक अजीब से एक आपको मंतक में दिखाऊं कि एक 150 साल बिल्डिंग की जो लारंग कह सकते हैं, पट्टी कह सकते हैं, लकड़ियों की बनाई गई है। और एक इसमें एक अजीब सी बात यह है कि ये इनको ये खतरा भी नहीं था कि इस पे दीमक लगेगा, पक्की बिल्कुल कंफर्म लकड़ी है। और इसकी स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये यहाँ के शेल्फ हैं और यहाँ बिल्कुल यहाँ पर कूलर वगैरह मटके रखने के लिए इसके साइज। ये हम इस वक्त दूसरे मंजिल पर हैं। ये जो है आपको चिमनी का मुंह दिखाएगा, जो नीचे दिखाई देगा, चूंकि नीचे से जो ये धुओं का सिस्टम है काफी पुराने तर्ज का एक सिस्टम है और कामयाब सिस्टम है। यहाँ से पूरा गांव का एक खूबसूरत सा व्यू नजारा आपको दिखाई देगा। और इसकी शेड आप देख ले, काफी ब्रिटिश दौर की जो है यादगार है। पूरे गांव का एक खूबसूरत नजारा। महल नुमा बंगलों के तीसरे बिल्डिंग पे जा रहे हैं, आपको देख सकते हैं आप हमारे साथ रहिए। ये काफी खूबसूरत एक दूसरा हॉल जैसा है। यहाँ आप इनके दरवाजे देख लें और इनके जो शेड है छत के, काफी खूबसूरत और दिलकश डिजाइनिंग है यहाँ पर। बिल्कुल तीसरे टॉप पे जो एक खूबसूरत सा कमरा बनाया हुआ है, यहाँ पर इसको सन रूम भी कहा जा सकता है, आजकल का जो सन रूम है। इस जगह से पूरे गांव का एक मुख्तसर सा और खूबसूरत मंजर आपको दिखा सके हमारा कैमरा। ये गांव जागन है और ये इस वक्त हम हवेली के दूसरे टॉप पे खड़े हैं। यहाँ की सबसे जो दिलचस्प बात है वो यहाँ के इस बिल्कुल पुराने तर्ज की एक बिल्डिंग बनी हुई है, हमें कदीम तर्ज की याद दिलाती है। और इसकी जो ये इस दरवाज़ों के लॉक हैं, बिल्कुल उस वक्त से ये कामयाब तजर्बा किया गया। ये इस दरवाज़ों के लॉक हैं, यहाँ से पूरे गांव का एक व्यू। ये तीसरी मंजिल है, उसका रास्ता है। यहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखा सके। नीचे अगर हम आपको दिखा सके, यहाँ की हवेली की एक रिवायत है कि यहाँ पर हमेशा लंगर का एहतमाम किया जा रहा है और उस वक्त भी लंगर की तैयारी कर रहे हैं। ये इस हवेली की खूबसूरत व्यू। सीढ़ियों की डिजाइनिंग और इसका रास्ता काफ़ी खूबसूरत, इसमें इंजीनियरिंग दिखाई दे रही है। ये आपको दिखा सके, तंग रास्ता जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से हवेली की तरफ जा रहा है, जिसको आर्जी तौर पर अभी बंद किया हुआ है। जो फानूस है और काफ़ी इस छत को रिपेयर किया गया है। ये दरवाजे जो है ये ऊपर के
ऑल जो है कमरे हैं वहाँ से ये ऑल की तरफ रोशनदान या खिड़कियाँ खुलती हैं। आपको ये पर एक दिलचस्प बात ये है कि ये रोशनदान काफ़ी ऊंचाई से बनाए गए हैं, आप ये देख सकें, काफ़ी खूबसूरत और कदीम तर्ज के रोशनदान हैं। इतने बड़े ऊंचाई पर छत बनाने का एक फ़ायदा यहाँ होता है कि ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं थे और सर्दियों में ज़्यादा सर्द ना हो। एक दूसरा कमरा है जिसको अभी बाथरूम में चेंज किया गया है, अभी एक हम आपको एक दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं। यहाँ पर भी सबसे जो अहम चीज़ है वो यहाँ पर